17th ऑफ मई को हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में इसको मनाते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में कुछ जानकारियां शेयर करना चाहूंगा। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को बेसिकली मनाने का रीजन क्या है, क्या कारण है? 17 मई को जो हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं, उसका बेसिक रीजन ये है कि ब्लड प्रेशर के बारे में आम पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। सामान्यतया ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आम व्यक्ति को ज्यादा पता नहीं रहता, क्योंकि इसमें जब तक कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आना शुरू ना हो जाए, जब तक व्यक्तियों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता। इस कारण ही इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये धीरे धीरे अंदर से कई सिस्टम्स को खराब करता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर किन किन कारणों से होता है। ब्लड प्रेशर, जैसा कि अपन को मालूम है, जब नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी, इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा होता है तो इसे एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। सामान्यतया जो ब्लड प्रेशर है वो कई कारणों से होता है, जैसे कई बार आनुवांशिक कारण होते हैं। यदि फैमिली में उनके मदर फादर को यदि ब्लड प्रेशर है तो उनके बच्चों में ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार डाइटरी हैबिट्स, जो बहुत ज्यादा नमक ज्यादा खाते हैं, ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, तेलीय चीजें, बसा वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसी तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशंस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस यदि लाइफ में हो तब भी ब्लड प्रेशर की संभावना होती है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर के कारण के साथ में ये क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कौन कौन से सिस्टम्स को ये अफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर, जैसा कि हमने बताया, कभी जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है तो ये हार्ट को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, और किडनी हार्ट के साथ में जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसमें भी हार्डनिंग होने लगती है, हार्डनिंग के कारण भी ब्लड प्रेशर होता है। तो ये कई ऐसी सिस्टम्स है जिसमें ब्लड प्रेशर जाने अनजाने में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस कारण आम पब्लिक में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमको कोई सिम्टम्स नहीं होते लेकिन ब्लड प्रेशर धीरे 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 बढ़ता जाता है और शरीर के दूसरे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता, जो कि दूसरे प्रकार की बीमारियों में इसके परिवर्तित होने की संभावना रहती, जैसे कि हार्ट अटैक हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, किडनी फेलियर में चली जाती है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है। कई बार बहुत ज्यादा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक, जिसको कि लकवा बोलते हैं, ये होने की संभावना रहती है। तो ब्लड प्रेशर का समय से चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर के बचाव के बारे में कि हम क्या सावधानियां रख सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि हमारी लाइफ स्टाइल जो आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, उसको जितना कम स्ट्रेस देंगे ब्लड प्रेशर उतना ही नॉर्मल रहेगा। खाने में नमक का सेवन कम करें, तेलीय चीजें, वसा वाली जो चीजें हैं, फैटी चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, इसका उपयोग कम मात्रा में करें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो
यदि 140 बाई 90 मिलीमीटर ऑफ एच जी से यदि ज्यादा हो तो हमें रेगुलर, हमारे जो भी फिजिशियन है उसको रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेशर का कराते रहना चाहिए। कई बार ब्लड प्रेशर के कारण जो सिम्टम्स हैं जैसे घबराहट होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी, जी मचलाना, आंखों के सामने अंधेरी छा जाना, हाथ पैरों में सूजन का आ जाना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको इस टाइप के कभी भी सिम्टम्स होते हैं तो ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और यदि आपके फिजिशियन आपको जो भी मेडिसिन लेने की सलाह देते हैं उसको रेगुलर दवाइयां का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने मन से कभी भी दवाइयों के डोज को कम ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर मैं हमारे दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हाइपरटेंशन है वो एक साइलेंट किलर है, इस कारण इसका रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। समय से यदि हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं तो इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं शरीर के दूसरे सिस्टम्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसको काफी हद तक बचाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।